हेलो दोस्तों, अभी हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। दोस्तों, इस स्टॉक का पूरा नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड, ठीक है। और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 359 है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को आपको ख़रीदना है दोस्तों, हमें ख़रीदना है, और ख़रीदने के बाद जम भर प्रॉफिट करना है दम के, और प्रॉफिट करने के बाद फिर छोड़ देना, ठीक है, ज़्यादा दिन है। तो इसको अभी जो है दम भर खरीदो। देखो, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्केट ओपन होने से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, 8:30 भी नहीं हुआ और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक को ख़रीदना चाहिए दोस्तों दम भर, जिसमें आपको आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा जो है आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इसको ख़रीदना है, भूलना नहीं है। उसके बाद मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूं, यहां पर देख लीजिए। तो दोस्तों, ये स्टॉक में अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो देखिए, स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे था दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं अराउंड 200 के आसपास है, लेकिन अभी देखिए 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और देखिए, मुझे लगता है कि 400 के आसपास जैसे ही जाएगा तो आप जो है यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक में अगर आप खरीद के रखना भी चाहते हो तो रख सकते हो दोस्तों। अब देखिए क्या है, एक रीजन भी है कि गवर्नमेंट ने बताया था कि रिपोर्ट में आया था कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर 6% से जो है ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अब क्या आया दोस्तों कि अब ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर 8% से ग्रोथ हो रहा है। मतलब कि दोस्तों, इसका ग्रो होने का एबिलिटी इंक्रीज हो चुका है। पहले जो बच्चा 2 पेज पढ़ता था, अब 4 पेज पढ़ ले रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे कंपनी में, और ऊपर से देख लीजिए प्राइस गिरा हुआ, तो ऐसे कंपनी में आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, खरीदने के लिए। अगर हम 5 ईयर का ट्रेंड देखते हैं स्टॉक का, तो काफ़ी हाई लेवल पर चला गया था। यहाँ देखिए 939, अराउंड 1000 को टच कर सकता था, लेकिन उसके बाद दोस्तों स्टॉक में जो गिरावट आना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गिर गया। उसके बाद देखिए, मैं आपको 1 ईयर का डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 ईयर का डेटा दिखाता हूँ, तो ये स्टॉक जो है रिकवरी मोड में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ये स्टॉक देखिए नीचे गया, नीचे जाने के बाद आप देखिए ये रिकवरी मोड में आ रहा है। रिटर्न भी देखिए 25% का रिटर्न है, तो ठीक है। तो यही जो है दोस्तों, इसमें एक परेशानी थी कि स्टॉक बहुत पहले गिर रहा था, लोग जो है पैनिक हो गए, यहाँ पर हटा दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ही प्रॉब्लम आपको दिख रहा है दोस्तों, वो क्या है रेड झंडी में, कि अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, ठीक है। क्योंकि कंपनी तो तब से लॉस में जा रही थी, तो डिविडेंड कहाँ से मिलता। और लोग बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर दम भर खरीदो। यहाँ पर देखिए 100% जो है जितने भी ब्रोकर है बोल रहे हैं। मैं बोलूँगा दोस्तों, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच समझ के खरीदना रहेगा तो आपको वो सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। जब तक आपका पैसा है तो आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, ऐसे स्टॉक पर खरीदारी करना चाहिए, आप भी अपना सोच विचार कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ओ माई गॉड, कंपनी का तो हालत बहुत ही मस्त है यार। यहाँ पर देख लो 72.59, 73% जो है इसमें प्रमोटर का होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9% है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा है यार, ऐसी कंपनी को खरीद के रखना चाहिए। कुछ तो इसमें मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि ये 100% नहीं हो रहा, थोड़ा मिसिंग हो जाता है चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को दोस्तों मेरे हिसाब से तो खरीदना चाहिए, बाकी सब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 8:30 नहीं हुआ है, मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग मार्केट ओपन होने से पहले जो है आप तैयार रहें। और एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मॉर्निंग में, मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, वो कुछ दिनों के लिए होता है, 2-4 दिनों के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म से भी शॉर्ट टर्म होता है, 2-4 दिनों में प्रॉफिट मिलता है तो लेके निकल जाओ। जो इवनिंग में वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, वो जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ पे, चाहे महीना 2 महीना, आप जितना भी 6 मंथ भी आप उसको रखो, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन के लिए वीडियो कभी नहीं अपलोड करता, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ही वीडियो अपलोड करता हूँ, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।